सो हेलो बच्चा गेंग, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर फर्स्ट और नाम है उसका द लास्ट लेसन। ये भी मजे की बात है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो आप समरीज यूट्यूब पर जाकर देखते हैं, देखो बच्चों आजकल 20 से क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो समरी आपके लिए इनफ नहीं होगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और 15 टू 16 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और इसके बाद आपको कहीं भी इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस वीडियो की, इस चैप्टर की सेटिंग में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ये चैप्टर लिखा है अल्फोंसो डोडेट ने, और अल्फोंसो डोडेट जो कि खुद एक फ्रांसीसी रहे हैं, तो उनके दिल के बहुत करीबी चैप्टर है। दूसरी चीज, इस चैप्टर के बैकग्राउंड में हम देखते हैं फ्रांस और प्रुशिया दोनों में लड़ाई हो जाती है, वॉर छिड़ जाता है। प्रुशिया जो कि तीन जगहों से मिलकर बना था, प्रुशिया में देखिए जर्मनी इन्वॉल्व था, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, इससे बनकर प्रुशिया मिला था। और प्रुशिया अटैक कर देता है फ्रांको, मतलब फ्रांस के ऊपर, और प्रुशिया को लीड करता है उस टाइम बिस्मार्क, ये इसका नेतृत्व करता है। और जब ये प्रुशिया फ्रांस पर हमला कर देता है तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम है एल्सेस और लॉरेन, उनको अपने अंडर कर लेता है। और प्रुशिया में जहां पर जर्मनी बोली जाती है, वो ये इम्पोज करते हैं, थोपते हैं कि फ्रांस में भी जर्मनी बोली जाए, और फ्रांसीसी टीचर्स को वहां से भगा देने का ऑर्डर दिया जाता है। तो ये तो रही चैप्टर की सेटिंग। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। मेनली इसमें दो कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है मिस्टर हैमर, जो कि फ्रेंच के एक टीचर होते हैं। दूसरा कैरेक्टर है फ्रांज, जो कि एक स्टूडेंट होता है। अब बात करते हैं सीन बाय सीन। फ्रांज गोइंग टू स्कूल, सबसे पहले हम स्टोरी में देखते हैं फ्रांज जो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है, स्कूल जा रहा होता है, और उसे कहीं ना कहीं अपने मन में डर होता है कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल उससे पूछे जाएंगे और जो उसको लर्न नहीं है, और उसे ये भी डर होता है कि मिस्टर हैमर उसको आज स्कोल्ड करेंगे। अब जैसे फ्रांस स्कूल के लिए निकलता है, घर से बाहर उसे दो तीन चीजें दिखाई देती है। पहली चीज उसको दिखाई देती है कि आज का दिन बिल्कुल वार्म और ब्राइट रहता है। दूसरी चीज, प्रुशिया के सोल्जर वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तीसरी चीज उसको दिखाई देती है, बर्ड्स चिर्प करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया एटमोस्फियर वहां पर दिखाई देता है। ये सारी चीजें उसको फोर्स या टेम्प्ट करती है स्कूल नहीं जाने के लिए। अब आगे बात करते हैं सीन ऑफ टाउन हॉल। टाउन हॉल एक ऐसी जगह है जो सेंटर में होती है बिल्कुल टाउन के, और वहां पे बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है, और बुलेटिन बोर्ड में जितनी भी न्यूज होती है सिटी की वो वहां पर लगाई जाती है। जैसे फ्रैंक टाउन हॉल से गुजरता है, वहां पर उसको एक बड़ा सा क्राउड दिखाई देता है, और क्राउड के आगे एक कैरेक्टर जो हमें राइटर बताते हैं वॉक्टर नाम का रहता है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ रहता है अपने अप्रेंटिस के साथ। वो फ्रेंड जैसे भागता रहता है, वॉक्टर पीछे से आवाज लगाता है, प्लेंटी ऑफ टाइम यू हैव फ्रेंड, बहुत समय तुम्हारे पास टू रीच टू स्कूल, स्कूल आप चले जाओगे। ये आवाज सुनकर फ्रेंड रुकता है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये मुझे टॉन्ट मार रहा है, कुछ ना कुछ बात यहाँ पर हुई है। लेकिन उस समय फ्रेंड को ये चीज समझ नहीं आती है। अब हम देखते हैं आगे सीन ऑफ स्कूल। देखिए फ्रेंच जैसे स्कूल के पास पहुंचता है, राइटर हमें बताता है यूजुअली स्कूल का सीन इस प्रकार से होता है, वहां पर शोर शराबा होता है, बेंचेस वहां पे घिसने की, स्क्रैच करने की आवाज आती है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क होता रहता है, तो पीस बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन फ्रेंच जैसे वहां पर स्कूल के पास पहुंचता है आउट ऑफ ब्रीथ होकर, वहां पर बिल्कुल पीस रहती है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं रहता है। फ्रेंच को और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यूजुअली वो नॉइज का सहारा लेकर क्लास में एंट्री कर लेता था और मिस्टर हैमल को पता भी नहीं लगता था, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था दिन जैसे संडे की मॉर्निंग हो। तो फ्रेंच जैसे विंडो से देखता है, सारे क्लासमेट उसके बेंचेस पर पहले से ऑक्यूपाई अपनी सीट कर रहे होते हैं। जैसे ही फ्रेंच क्लास में जाता है, तो मिस्टर हैमल आज उसको स्कोल्ड नहीं करते, यूजुअली वो उसको स्कोल्ड किया करते थे, बल्कि उसको यूं बोलते हैं
कि फ्रेंड्स वी वर स्टार्टिंग विद यू, हम तो तुम्हारे बिना स्टार्ट कर रहे थे, प्लीज हैव अ सीट इन द क्लास, आप क्लास में बैठ जाइए। तो ये चीज सरप्राइजिंग लगती है फ्रेंच को। दूसरी सरप्राइजिंग चीज लगती है फ्रेंच को जब वो क्लास में एंट्री करता है, अपनी बेंच पर बैठता है और बैक बेंचेस पर उसकी नजर पड़ती है, वहां पे ब्लेजर्स उसके बैठे होते हैं। अब ब्लेजर्स में कौन कौन बैठे हैं? फॉर्मर मेयर, पहले का मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और ओल्ड होसर। ओल्ड होसर एक विलेज पर्सन है, एक ओल्ड मैन है जो वहां पर बैठा हुआ रहता है। ये देखकर फ्रेंच को सरप्राइज होता है कि क्या चक्कर है, ऐसी कौन सी बात हो गई, ये सारे गांव वाले आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे की बात करें, मिस्टर हैमल अनाउंसमेंट। मिस्टर हैमल एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंच की नजर मिस्टर हैमल के क्लोथ्स पर पड़ती है। मिस्टर हैमल ग्रीन कलर का कोट पहने हुए होते हैं और ब्लैक सिल्क कलर की कैप, सिल्क कैप और फ्रिल्ड शर्ट, एक शर्ट पहने हुए होते हैं। ये देखकर फ्रेंच को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि यूजुअली ऐसे नॉर्मल डेज पर ये इस कपड़े नहीं पहनते थे मिस्टर हैमल, लेकिन इंस्पेक्शन डेज या प्राइस डेज, जब खुशनुमा डेज होते थे, जब वो ऐसे कपड़े पहनते थे, तो इस प्रकार रिलीफ महसूस होता है फ्रेंच को। अब आगे एक अनाउंसमेंट करते हैं मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल बोलते हैं कि एक ऑर्डर आया है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि हमारे यहाँ एल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, यहाँ पर कल से फ्रेंच के टीचर फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और अब यहाँ पर सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी और जर्मनी पढ़ाने वाले टीचर यहाँ पर पढ़ा पाएंगे। ये सारे शब्द सुनकर फ्रेंच को ऐसा लगता है जैसे कि ये वर्ड थंडर क्लैप हो फ्रेंच के लिए, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर रही हो फ्रेंच। तो इस प्रकार फ्रेंच बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब आगे की बात करें, फ्रेंच मनी मनी ये सोचता रहता है कि ये जो टीचर मेरे को इतने अच्छे से पढ़ाते थे और ये मुझे क्रैंकी लगते थे, आज ये मुझे बिल्कुल सनकी नहीं लग रहे, एक अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, अच्छे पर्सन लग रहे हैं। और फ्रेंच को जो बुक्स बहुत हैवी लगती थी और एक तरीके से बर्डन लगती थी, जो बुक्स उसकी हिस्ट्री की थी, सैंड्स की थी, आज उसको फ्रेंड लग रही है। फाइनली फ्रेंच को पता लगता है गांव वाले यहाँ पर 40 साल की जो फेथफुल सर्विस मिस्टर हैमल दे रहे थे उसको रेस्पेक्ट देने आए हैं, और जो लैंग्वेज है हमारी, जो हमारी कंट्री है, और यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज कल से नहीं बोली जाएगी, उसको रेस्पेक्ट ही देने आए हैं। अब इसी बीच फ्रेंच का नंबर आ जाता है, उसका टर्न आ जाता है, मिस्टर हैमल उसको बोलते हैं फ्रेंच आप रूल्स ऑफ पार्टिसिपल सुनाइए। फ्रेंच मन ही मन सोचता है कि वो क्या करने के लिए तैयार नहीं था, इट मींस ही वुड डू एनीथिंग जस्ट वो पार्टिसिपल के रूल सुना दे, लेकिन उसको लर्न नहीं होते और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। यूजर डेज पर फ्रेंच को डांटा जाता था मिस्टर हैमल के द्वारा, लेकिन आज मिस्टर हैमल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते और ना उसको स्कोल्ड करते हैं, बजाय इसके वो एल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लोगों को ब्लेम करते हैं कि यहाँ के लोग लर्निंग को कल पर टाल देते हैं, और आज देखिए कल पर टालने की वजह से हम कहां पर आ गए हैं। इट मींस प्रुशिया ने हमारे ऊपर एक तरीके से अधिकार कर लिया है और हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, यही सबसे बड़ी लेजिनेस रही है यहाँ के लोगों की। अब देखते हैं आगे, मिस्टर हैमल ब्लेम्स हिमसेल्फ एंड पेरेंट्स। मिस्टर हैमल का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सामने आता है। मिस्टर हैमल अपने आप को ब्लेम करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने बच्चों का टाइम वेस्ट किया, बच्चों को वो जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था तो वो बच्चों की छुट्टी कर देते थे, और जब उनको पानी देना होता था पौधों में तो फ्रेंच या दूसरे बच्चों को भेज दिया करते थे, इस प्रकार वो बच्चों का टाइम वेस्ट करते थे। अब पेरेंट्स को इस प्रकार ब्लेम करते हैं मिस्टर हैमल कि पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों को स्टडी के लिए तो भेजते नहीं थे, बल्कि वो फार्म्स पर भेजते थे ताकि उनको ज्यादा अर्निंग हो सके। इसी बीच फ्रेंच जो एक स्टूडेंट रहता है उसको भी रियलाइज होता है, मैं भी स्लाइड करने जाता था सार पर, मींस फिसल पट्टी पर, और चिड़िया के अंडे में सीक आउट या ढूंढने जाता था, मैंने भी इस प्रकार टाइम वेस्ट किया। तो इस हाफ ऑफ द चैप्टर में हमें रियलाइज होता है कि सबको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमल एक डिवोटेड टीचर होने के साथ साथ एक पैट्रियटिक पर्सन है, वो यहाँ पर अपनी भाषा लैंग्वेज की बहुत तारीफ करते हैं और बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, क्लियरेस्ट है और सबसे लॉजिकल है, इससे बढ़िया लैंग्वेज नहीं हो सकती,
और हमें फ्रेंच लैंग्वेज को हमारे बीच प्रोटेक्ट या गार्ड करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगली चीज जो मिस्टर हेमल यहाँ पर बताते हैं, जब तक हमारे पास हमारी लैंग्वेज की पावर है, इट मीन जब तक हमारी लैंग्वेज हम बोलते हैं, हमारे पास हमारे जेल की चाबी है, प्रिजन टू की है, इट मीन्स हमें कोई भी स्लेव नहीं बना सकता। तो यहाँ पर पैट्रियटिज्म दिखता है मिस्टर हेमल का। आगे चैप्टर में बताया जाता है लेसन होते हैं। पहला लेसन होता है ग्रामर का, दूसरा राइटिंग का, और तीसरा हिस्ट्री का। जब ग्रामर का लेसन स्टार्ट होता है तो एक और सरप्राइजिंग चीज दिखाई देती है। मिस्टर हेमल नई कॉपीज लाते हैं और नई कॉपीज सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और नई कॉपीज पर गुड हैंड राइटिंग में, राउंड हेड में एल्सेस और लॉरेन उस पर रिटर्न होता है, और सारे बच्चे बिल्कुल अटेंटिवली पढ़ते हैं और अच्छे से ध्यान देते हैं। इसी बीच फ्रेंच का ध्यान जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो ड्राइंग करते रहते हैं फिश हुक्स की, इट मींस मछली के कांटे की जिससे मछली पकड़ी जाती है, उसी बीच क्लास में एक बीटल आता है, भौंरा आता है या बी आती है, तो बच्चे उस पर अटेंशन नहीं देते। तो फ्रेंच को लगता है ये बच्चे भी कितना ध्यान से अपना आज काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब फ्रेंच का लेसन चल रहा होता है तो वहां पर एक चीज आती है कि वहां पर एक पीजन उड़ के आते हैं कहीं, और फ्रेंच को ये बताता है क्या इन पीजन्स को भी जर्मन में गवाएंगे या बुलवाएंगे क्या? कौन? प्रुशिया के लोग या जर्मन जो बोलते हैं वो लोग। यहां पर फ्रेंच की बहुत ज्यादा डिप्रेशन, हताशा, सैडनेस दिखाई देती है। इट मींस वो ये बोलना चाह रहे हैं आप हमें तो इंसानों को तो फोर्स कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट फोर्स द नेचर, आप नेचर को फोर्स नहीं कर सकते। आगे देखते हैं हैमल्स रिएक्शन। अब यहां पर हम देखते हैं हैमल का, मिस्टर हैमल का रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि मिस्टर हैमल को पता है इट वुड बी द लास्ट लेसन होगा, तो मिस्टर हैमल क्लास में एक एक चीज को स्टेयर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि 40 साल से वो फेथफुली एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, हर बार क्लासेस चेंज होती है, बच्चे चेंज होते हैं, लेकिन वो डिवोटेडली अपनी सर्विस दे रहे हैं। वो मन में अपने माइंड में एक एक चीज को अच्छे से सेटअप करना चाहते हैं ताकि वो मेमोरी में उनके रहे। अगली चीज जो मिस्टर हेमल देखते हैं, अपना एक गार्डन उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था 40 साल के अंदर, वहां पर उन्होंने वॉलनट के ट्रीज लगाए थे, हॉबवाइन जो एक बेल लगाई थी वो रूफ तक पहुंच चुकी थी खिड़की से होकर, और ट्रंक्स बाय सिस्टर। जब मिस्टर हेमल ये सारी चीजें सुन रहे होते हैं, मेमोराइज कर रहे होते हैं, उनको ऊपर से आवाज आती है कि उनकी सिस्टर मूव कर रही है और ट्रंक्स को पैक कर रही है, इट मींस बक्सों को पैक किया जा रहा है। फाइनली हिस्ट्री के लेसन के बाद ओल्ड हॉसल जो एक विलेजर रहता है वो बच्चों के साथ बाहर खड़ी बा बे बी उसको वो चैंट करता रहता है। अब दो रिएक्शन यहाँ पर आते हैं, ओल्ड हॉसल को देखकर सबके सब रोना चाहते हैं और हंसना भी चाहते हैं। रोना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये एक लास्ट लेसन होगा, आगे से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। हंसना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसका जो प्रोनंसिएशन था, उनका जो बोलने का तरीका था, जो एक्सेंट था, वो मजाकिया उनको लग रहा था। एट 12 पर्शियन ट्रम्पेट साउंडेड। अब 12 बजते हैं जैसे ही प्रशिया के जो सोल्जर होते हैं उनके ट्रम्पेट्स होती है वो सुनाई देती है खिड़की के नीचे, इट मींस ये एक साइन होता है कि फ्रेंच फ्रांसीसी लोगों को या फ्रेंच के टीचर को यहां से जाना पड़ेगा और अब यहां पर जर्मनी इम्पोज की जाएगी। तो एक सैड साइन होता है मिस्टर हेमल के लिए और बाकी बच्चों के लिए। मिस्टर हेमल्स, अब मिस्टर हेमल का क्या रिएक्शन होता है इसमें? मिस्टर हेमल जैसे ये सुनते हैं वो पेल पड़ जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं और बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, और वो अपनी चेयर पे जैसे ये पास में खड़े होते हैं, फ्रेंच को लगता है इतने टॉल आज तक मैंने रियलाइज नहीं किया मिस्टर हेमल थे। अब मिस्टर हेमल वॉज अनेबल टू स्पीक, बोलने में तो समर्थ थे नहीं, हिज थ्रॉट वॉज चॉक्ड, उसका गला बिल्कुल भरा हुआ होता है और बोलने में वो कैपेबल नहीं होते। तो एक बड़ा सा पीस ऑफ चॉक लेते हैं वो और बोर्ड के पास खड़े होते हैं और एक बड़े से अक्षरों में लिखते हैं वो वी वाले फ्रांस, इट मींस लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और बोल तो वो सच में बोल तो पा नहीं रहे थे, इसलिए वो एक जेस्चर करते हैं अपने हैंड से कि क्लासेस डिसमिस, आज आपकी क्लास खत्म। तो इस प्रकार बच्चों में इस चैप्टर में रियलाइज होता है किस प्रकार फुल ऑफ पैट्रियटिज्म है, इमोशन है, और स्टडी कितना मैटर करती है और आपकी लैंग्वेज कितनी आपके लिए सिग्निफिकेंट
होती है। बहुत ज्यादा कोशिश की है मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे सकू आपको बच्चों, एक ही काम आपको करना है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज जितने कमेंट कर सकते हैं कीजिए, और आपका कोई सजेशन है तो प्लीज गिव मी योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।